तमाम मेहमान इस मंच पर आ रहे हैं और अब हमारे बीच वो मेहमान आ चुके हैं जिनका आज सुबह से आप बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। तो स्वागत कीजिए देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का। नमस्कार अमित शाह जी। भाई को, भाभी को, बहन को, बहने को, चाचा को, चाची को, मामा को, मामी को, फूफा को, फूफी को, दोस्त को, दोस्त के पिताजी को। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नमस्ते सर, आपने कोरोना की ऐसी हालातों में भी रैलियां की जिसमें कोरोना की प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो नहीं किया गया, आपको भी पता होगा, जिससे कि बहुत लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ होगा, क्या आपको उन रैलियों का कोई पश्चाताप हो रहा है जो आपने की थी? देखिए, पार्ट ऑफ गेम है, इससे कोई पश्चाताप वाली बात नहीं होती है। चुनाव में दोनों ओर से इस तरह की बयानबाजी होती है और ये रूटीन बात। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। कोई असर नहीं। आपको पता है कि गोदी मीडिया तो आपसे सवाल करती नहीं है, पर फॉरेन की मीडिया को आपने देखा हो तो वो कह रहे हैं कि भारत और भारत के लोगों की गलतियों की वजह से कोरोना ने इतना भयानक रूप लिया है, जो कि अमेरिका के डॉक्टर एंथनी फाउची ने भी कहा है। तो आपको क्या लगता है देश की जनता के मन में अब क्या डिमांड होगी? अमित शाह इस्तीफा दे, अमित शाह इस्तीफा दे, अमित शाह इस्तीफा दे। Once more, once more, once more. अमित शाह इस्तीफा दे, अमित शाह इस्तीफा दे। तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? आपको पता है सब बातें, फिर भी जनता मुझे कहेगी तब तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। कैसा लगा मेरा मजाक? सर वही बात, जनता तो कहती है पर आपके प्रिय गोदी मीडिया जी इस बात को वहीं दबा देते हैं और पूरे दिन भारत पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम करती रहती है। चलिए, आपको भी पता है कि बहुत लोग कहते हैं कि बीजेपी ने देश के हित में एक काम भी नहीं किया। क्या कुछ काम आप बता सकते हैं जो आप इज्जत बढ़ाने वाले हो? राजनीति खत्याए की, बुलबुल का पैसा खाया है, अम्पाम का पैसा खाया है, गरीबों के चावल बेच खाए, दंगा करते हैं या नहीं करते हैं? आपको पता है कि इस समय देश की जनता के लिए मेडिकल फैसिलिटीज मोस्ट रिक्वायर्ड है, तो आप 20,000 करोड़ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए लगा रहे हैं, वो आप किसके लिए बनवा रहे हैं? हम जैसे आम लोगों के लिए है। मेरे लिए भी अच्छा है, ये भी ठीक है। चलिए बताइए कि रविश कुमार जैसे मीडिया पर्सन और कुछ लोग बीजेपी की सरकार के खिलाफ हैं, तो अब तो कोरोना टाइम है और किसान आंदोलन भी चल रहा है, तो इन सब के खत्म होने के बाद आप इनका क्या करेंगे? सबको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। चलिए, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि आपने कितना देश के लिए किया है और कितना अपने साथियों के लिए किया है, पर आपको ये तो पता ही होगा ना कि देश के गरीब क्या डिमांड है। क्या आप एक दो बता सकते हैं जो आपको देनी भी चाहिए? हर मछुआरे को 6,000 रुपये मिले, हर किसान को 6,000 रुपया मिले, गरीब को चावल मिले, बच्ची को पढ़ाई मिले, युवा को रोजगार मिले, महिला को गैस का सिलेंडर मिले, गरीब को घर मिले, माताओं बहनों को घर में नल से पानी मिले। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। चलिए कुछ सवाल और करते हैं आपसे। अब मैं पूछ सकता हूं, आप सिर्फ भाजपा को क्यों सवाल पूछ रहे हैं? भाजपा अलग है चाहिए, मगर आपका काम न्यूट्रल रहना है। दोस्त अगर आपको दोनों पार्टी का एक ही क्राइटेरिया में दिखाई पड़ता है तो दोनों को पूछना चाहिए। सर, आपकी सरकार है देश में, हम विपक्ष से सवाल क्यों करें? हमने आपको वोट दिया है तो सवाल भी आप ही से करेंगे ना। खैर, अब छोड़िए इस बात को, मैं तो सिर्फ आपको, जैसे आप मुझे सवाल पूछते हैं, आज मैंने एक सवाल आपको भी पूछ लिया। चलो सर, ये तो अच्छी बात है कि देश के गृह मंत्री हमसे सवाल करें। क्या सर, आप आगे की कुछ कोरोना की रणनीति हमारे साथ शेयर करेंगे, देश को भी पता चल सके कि आप आगे देश की जनता के लिए क्या करने वाले हैं? नहीं, मगर आपको पता चलने की जरूरत ही नहीं। सर, हमारे लिए तो बहुत जरूरी है, अमित तो हैं जो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, जो देश की जनता को अवेयर करेगा। आपको पता चलने की इसलिए जरूरत नहीं कि मेरी पार्टी का आंतरिक मामला है, दूसरी पार्टी से चर्चा करनी है, तय करना है, जब तय हो जाएगा मीडिया को कहेंगे, तो एबीपी को नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, सबको कहेंगे। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए।